भारत माता की जय। देखो भारत माता की जय रायबरेली वालों को जोर से बोल रहा है। ये राणा बेनी माधव सिंह जी की जन्मस्थली है और बेनी माधव जी ने अंग्रेजों को यहां से भगाया था। अब हमारा भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह यहां कांग्रेसियों को भगाने के लिए आए हैं, इसलिए जोर से बोलना ये अगड़ा, ये पिछड़ा, ये दलित, ये सवर्ण, मिल जाओ एक साथ, बजरंगबली का घूसा बनाकर मेरे साथ बोलो भारत माता की। हमारे आदरणीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, सम्मानित जिला अध्यक्ष श्री रामदेव पाल जी, सुधीर हलवासिया जी, सुरेश जी तिवारी, वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, हम सबके यशस्वी। तो दूसरी तरफ दिनेश प्रताप सिंह जी लड़ रहे हैं, तुलना करने लगते हैं और मैं यही तुलना करने के लिए आया हूं। अभी तक आपने देश की आजादी के बाद तीन चौथाई समय ऐसा रहा है कि एक ही परिवार के व्यक्ति ने इस रायबरेली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, वीआईपी क्षेत्र रहा है। लेकिन वीआईपी क्षेत्र की दशा यह रही कि वीआईपी तो वीआईपी बनकर आते रहे, पिकनिक मनाते रहे, चुनाव आ गया तो कभी नदी की यात्रा, तो कभी रेल की यात्रा, कभी घाट की यात्रा, कभी भगवान की पूजा, और चला गया तो 4.5 साल के बाद फिर पूरा परिवार आ गया। ऐसे लोगों के द्वारा यहां का प्रतिनिधित्व किया गया। जनता को काम हो तो दिल्ली जाना पड़ेगा और दिल्ली में भी 3 दिन तक मिलने का समय नहीं मिलेगा। इन परिस्थितियों से रायबरेली चला है। अब रायबरेली के सामने उद्देश्य यह है कि एक ने पूरे 60-70 साल तक कुछ नहीं कराया। इसके पहले कांग्रेस के प्रत्याशी हाथ नहीं लाओ, जिनको विरासत परिवार को आजादी के बाद 3/4 समय से मिला। अरे गई कुर्सी टूटी यार, लेकिन रायबरेली में विकास नहीं। आज दोनों का अंतर दिखाई पड़ा कि एक बार यहाँ की राष्ट्रीय नेता कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष एयर कंडीशन गाड़ी के अंदर बैठ के डाटा बाय बाय करते हुए उन्होंने नामांकन यहाँ पर आकर कर दिया, और आज मुझे प्रसन्नता है कि जनता का आदमी पैदल चल के आता यही जनप्रतिनिधि। एक कांग्रेस और भाजपा का अंतर आज यही दिखाई पड़ा कि पैदल चलते हुए हमारे प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने आके यहाँ पर नामांकन किया, और आज पूरा रायबरेली जिस प्रकार से आप देख रहे हैं आज वो सड़कों पर आ गए। ये परिवर्तन की आंधी है। इस बार मोदी लहर नहीं, यहाँ पर मोदी जी का विपक्षियों पर ये कहर है लोकप्रियता का, और मैं समझता हूँ कि चुनाव आते आते ये जो मोदी लहर है ये तूफान बनकर जाएगी, और पहली बार यहाँ से जो गांधी परिवार के सदस्य हैं वो पराजित होकर, मैं समझता हूँ कि ये उनका अंतिम चुनाव जीत के रूप में होगा, और यहाँ से हमारा प्रत्याशी जीत कर विजयश्री यहाँ पर धारण करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे और हमारा संसद का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी का रायबरेली से। शर्मा जी 2004